नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स का जो बेस्ट प्रोडक्ट है, इवनिंग फोर केयर सेट। ठीक है, इवनिंग फोर केयर सेट फॉर मेंस एंड वुमेंस। इस सेट का यूज़ कैसे करें प्रॉपर तरीके में, आपको सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें जो चार ट्यूब्स आती हैं, ठीक है, उनका यूज़ कैसे करें। इसमें डीप क्लिंजर नाम है फर्स्ट का, सेकंड का फोम क्लिंजर है, थर्ड पिलिंग जेल है और फोर्थ है पिलिंग जेल मास्क। ये चार ट्यूब्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि हर ट्यूब है वो आपकी स्किन की जो सात लेयर है उसको कवर कैसे करती है, और जितनी भी आपकी लेयर है स्किन की क्लियर हो जाएंगी अंदर से। और बारी बारी से जब आप इसको यूज़ करोगे डेली बेसिस पे, तो आपकी स्किन का कलर है बिल्कुल क्लियर फेयर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, कुछ आपने चीज़ अप्लाई की है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड बेस है। ठीक है, एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं साइंटिफिक रिसर्च है, रिजल्ट ओरिएंटेड बेस है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, जो एटोमी इवनिंग केयर का फोर सेट है वो लेडीज़ और जेंट्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन पे है झाई है, चेहरे पे छाया है, झुर्रियाँ हैं चेहरे पे और चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसी हैं, सब में ये इफ़ेक्टिव रहेगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करके चेक कर सकते हो। मेकअप के दौरान जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर्स में जाती है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में कॉस्टली होता है, तो आप इसको ऑर्डर कीजिए, अपने घर पे मंगाइए और इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखते हुए आप इसका घर पे ही उपयोग किए और आपके वहाँ पे पैसे भी बचेंगे। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर आपका खुद का है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आप बताइए, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसको आप लोगों पर अप्लाई करके दिखाइए, और आपकी जो सेल है ब्यूटी पार्लर की वो काफ़ी इंक्रीज होगी जब लोगों को रिजल्ट मिलेगा। आप जब स्किन का जो प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जब रिजल्ट मिलेगा तो आपके लिए सही रहेगा, आपका ज़्यादा अच्छा चलेगा ब्यूटी पार्लर। ठीक है, और ये जो चार का सेट है, फोम क्लिंजर, डीप क्लिंजर, पिल ऑफ मास्क और पिलिंग जेल। ठीक है, तो बारी बारी से मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले आपको डीप क्लिंजर अप्लाई करना है। डीप क्लिंजर क्या काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेकअप के लिए यूज होता है। जो भी आपके चेहरे के ऊपर एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज़ होती है, सेबम होती है, जो भी गंदगी होती है, धूल होता है और ऑक्साइड्स होते हैं जो चेहरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, उसको ये रिमूव करता है फर्स्ट लेयर में जब आप इसको यूज़ करेंगे। जब आप मेकअप करते हैं तो पोल्यूशन होता है, धुआं होता है स्किन के ऊपर, वो चढ़ता चला जाता है डेली डेली और एक लेयर सी बन जाती है काफ़ी हद तक, तो वो क्लीन नहीं होती। तो आपको इसको यूज़ करना है डेली। ठीक है, तो ये क्लीन करता है आपका फर्स्ट लेयर जो चेहरे का, उसको क्लीन करता है। ठीक है, क्लियर स्किन टोन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हेल्प स्किन लुकिंग क्लीन एंड क्लियर। और इसके साथ आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके स्किन को काफ़ी हेल्प करेगी क्लीन एंड क्लियर होने में। ठीक है, ग्लोसी स्किन के लिए आपको क्या करना है, कैरेट एक्सट्रैक्ट एंड टोकाफेरोल एसीटेट हेल्प रिटेन स्किन एलास्टिसिटी एंड न्यूट्रिशन एड ए हेल्दी ग्लोस। तो इसमें क्या होता है कि एक तो कैरेट एक्सट्रैक्ट होता है और एक टोकोफेरोल एसीटेट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ग्लोसी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सेकंड जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे फोम क्लिंजर। इसके बाद आपको फोम क्लिंजर यूज़ करना है। फर्स्ट जो है डीप क्लिंजर यूज़ करने के बाद आपको उसको टिश्यू पेपर से आपकी स्किन को साफ़ करना है या वार्म वाटर के साथ। उसके बाद सेकंड है फोम क्लिंजर, ये जितने भी सेडिमेंट्स पार्टिकल होते हैं, धूल कण होते हैं आपके चेहरे के ऊपर, उसको क्लीन करता है। ठीक है, फोम स्किन के लिए जिंसिंग एंड जिंको एक्सट्रैक्ट कीप ड्यूल स्किन लुकिंग हाइड्रेटेड एंड फॉर्म। इसके लिए आपको जिसकी फॉर्म स्किन है उसको आप जिंसिन यूज़ करोगे तो उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी स्किन को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर देते हैं, और क्लीन स्किन स्वीपी अवे सेबम एंड डर्टी वो पोर, जो भी आपके स्किन के ऊपर डर्टी पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं चेहरे पे, उनको ये क्लीन करता है फोम क्लिंजर। ठीक है, और हाइड्रेटेड स्किन वालों के लिए कंटेन राइस एक्सट्रैक्ट विच प्रिवेंट्स टाइटनिंग ऑफ स्किन आफ्टर वॉश। और जिसकी स्किन हाइड्रेटेड होती है इसमें क्या होता है कि राइस के एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी स्किन को टाइट होने से बचाते हैं, ठीक है, वॉश के बाद। ठीक है, इसमें फोम क्लिंजर जब आप यूज़ करोगे तो आपकी स्किन थोड़ा सा टाइट होगी, तो इसमें वो राइस के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके कारण होता है। ठीक है, क्लीन स्किन और हाइड्रेटेड स्किन। नेक्स्ट है, थर्ड है पिलिंग जेल। ठीक है, ये पिलिंग जेल क्या करता है, आपके चेहरे के जो बच गई गंदगी, जितनी भी गंदगी बची हुई है
ठीक है, सिनर्जी केयर टू रिमूव होरेंस एंड एब्जॉर्ब इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स होती है उनको रिपेयर करता है ये, ठीक है, जब स्किन काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेती है ये प्रोडक्ट्स, फिर धीरे धीरे उसको रिमूव करता है मेकअप के दौरान, ठीक है, और सेबम कंट्रोल करता है और एलिमिनेट एक्सेस सेबम एंड सोफन सेंसिटिव स्किन, और आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट करता है ये, ठीक है। लास्ट है पोर केयर एंड फॉर्मिंग एक्शन, यानी कि पिल ऑफ मास्क, आपके चेहरे के ऊपर जो देखा होगा ना व्हाइट कलर का मास्क सा, तो आपको चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है इसको, ठीक है, और चेहरे के जितने भी पोर्स होते हैं वो क्लोग्ड पोर्स, जो ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं यहाँ पे, प्योरीफाई एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ स्किन एंड रिफाइंड स्किन सरफेस, जो स्किन का सरफेस है उसको पूरी तरह से रिफाइन करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपकी स्किन को एलास्टिसिटी और फर्मनेस देता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको यूज़ करना है पिल ऑफ मास्क, ठीक है, उससे पहले आपको यूज़ करना है पिलिंग जेल, उससे पहले आपको यूज़ करना है फोम क्लिंजर, उससे पहले डीप क्लिंजर, फर्स्ट डीप क्लिंजर, उसके बाद आपको स्किन को वॉश करना है, ये अप्लाई करना है 3 से 5 मिनट चेहरे के ऊपर, स्किन को गर्म पानी या टिश्यू पेपर से वॉश करना है। सेकेंड जो है ये फोम क्लिंजर है, फोम क्लिंजर आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको क्लीन करना है आपके चेहरे के उसके वार्म वाटर या टिश्यू पेपर। थर्ड है, इसमें आपको जो पिलिंग जेल लगाओगे आप, इस पिलिंग जेल के बाद आपको वार्म वाटर से ही आपका चेहरा वॉश करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में जब आप पिल ऑफ मास्क लगाते हैं चेहरे के ऊपर, तो आपको क्या करना है, वो सूखने के लिए टाइम चाहिए आपको, 20 से 30 मिनट का टाइम चाहिए, जब वो पूरा चेहरे पे सूख जाए तो 20 मिनट के आसपास आपको वेट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उस चेहरे से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आप टोनर यूज़ कर सकते हैं चेहरे की स्किन के लिए, टोनर इवनिंग मेंस के लिए 3 का सेट है, वुमेंस के लिए 6 का सेट है, टोनर्स यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों मैंने आपको दी है, ठीक है, एटोमिक इवनिंग 4 केयर सेट है, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं, बाकायदा आपका सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपको प्रॉपर जो कोरियन प्राइस है उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज और कस्टम ड्यूटी के बगैर, अगर दूसरे वैसे लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज और कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको कहीं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया स्क्रीन पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको कंपनी की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल, कंपनी प्लान, बिजनेस प्लान, जो लीगल वे में एथिकली चीज़ें हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं प्रॉपर कंपनी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी टीम को सपोर्ट मिलेगा, आपको हर प्रकार की सपोर्ट मिलेगी। आप हमारे इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ने के लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और इस जो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, कोई चीज़ आपको डाउट है किसी के बारे में तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एटोमी और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।